हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ डियर साइंस एकेडमी. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड योर लास्ट पोएम, दैट वाज आंट जेनिफर्स टाइगर्स. यू नो वी आर जस्ट टू मूव टू द एक्सप्लेनेशंस और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईच पोएम. ओके, वी आर टू गो थ्रू ईच पोएम वंस अगेन. लेकिन उससे पहले मैं बात बताना चाह रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट पोएम के एक बार क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट में दे रखे हैं चैप्टर में, टेक्स्ट बुक में ही, और उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के लिए सारी पोएम्स को एक बार गो थ्रू करेंगे. सभी पोएम्स का मैं आपको रेफरेंस लिखाऊंगा, कॉन्टेक्स्ट लिखाऊंगा ऑन बोर्ड. यू विल हैव टू जस्ट मेक इट राइट क्लियरली. आपको इसे बिल्कुल साफ सुथरा लिख लेना है, ठीक है ना. अब देखो, हम पहले क्वेश्चन की बात करें. हाउ डू डेनिजन्स एंड शिवेलरिक एड टू आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड. मतलब पॉइंट यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में राइटर क्या कहना चाह रहा है कि जो ये दो वर्ड्स यूज किए गए थे, एक तो डेनिजन्स यूज किया गया था और एक शिवेलरिक यूज किया गया था, राइट. दो वर्ड थे ना, डेनिजन्स मानी आपको पता है इनहेबिटेंट्स थे, निवासी थे. शिवेलरिक का मतलब आपको पता है विगोरस थे, साहसी, ठीक है ना. तो ये जो हैं किस तरीके से हमारी समझ को बढ़ाते हैं जो टाइगर्स के एटीट्यूड की तरफ होता है. आप सब लोग या हम सब लोग इस दुनिया में जितने भी हैं वो टाइगर्स के एटीट्यूड के बारे में अवेयर हैं. हमें पता है कि बाघ किस तरह का एटीट्यूड रखता है, एरोगेंट होता है और अटैकिंग मूड में रहता है, वायलेंट होता है, किसी से डरता नहीं है, फियरलेस होता है. तो ये किस चीज़ के, मतलब किस एटीट्यूड को टाइगर्स के किस एटीट्यूड को दिखाता है. तो देखो, जो डेनिजन्स हैं, डेनिजन्स दिखाता है कि दे आर द किंग, दे आर द किंग्स, दे आर द किंग्स, दे आर द लॉर्ड्स, आई थिंक दे आर द, यू कैन से डोमिनेंट्स, दे आर द टायरेंट्स ऑफ द जंगल. वो जंगल के क्या होते हैं, तानाशाह होते हैं, जंगल के राजा होते हैं. कौन? टाइगर्स. और वो डेनिजन्स हैं, मतलब वो परमानेंट उसके रेजिडेंट्स हैं, मतलब वहाँ से जाने वाले नहीं हैं. वो और किसी एनिमल को क्या कर सकते हैं, डरा सकते हैं, वो भगा दे सकते हैं, लेकिन वो खुद नहीं भागेंगे. अगली चीज़ शिवेलरिक, मतलब दे आर वेरी विगोरस, दे आर वेरी करेजियस, दे आर वेरी ब्रेव, मतलब नोबडी इज़ देयर टू फियर दैम, नोबडी इज़ देयर टू टेरिफाई दैम, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें डरा सके. इज इट क्लियर इन योर माइंड नाउ? ओके, तो what do the terms denizens and chivalric represent here? आपको पहला denizen से क्या मतलब रखना है, denizen से मतलब रखना है कि जो tigers हैं वो क्या permanent inhabitants हैं, किसके, green forest के, या फिर हम कह सकते हैं green jungle के. दूसरी बात, chivalric जो word है वो उनकी vigor को, उनकी power को, उनकी courage को, उनकी brave को दिखाता है, bravery को दिखाता है, और ये दिखाता है कि they are fearless, they can't be terrified by anyone else, okay? किसी अन्य के द्वारा डराए नहीं जा सकते. तो ये आपको ये दोनों वर्ड्स को अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में काम करते हैं ये. तो इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आएगा. अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू की. व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग? मतलब आप क्यों सोचते हैं कि आंट जेनिफर के जो हाथ हैं वो फ्लटर कर रहे हैं, ट्रेम्बल कर रहे हैं थ्रू आर वूल इन द सेकेंड स्टेंजा में. व्हाई इज ही फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल? वो मुश्किल क्यों पाती है उस नीडल को पुल करने में? तो आपको पता है कि आंट जेनिफर इज टेरिफाइड, हॉरिफाइड, फ्राइटेंड विद हर ओन हस्बैंड. वाई शी इज फ्राइटेंड? ओके, वाई शी इज अफ्रेड ऑफ हर ओन हस्बैंड? बिकॉज शी इज द विक्टिम ऑफ मेल डोमिनेंट सोसाइटी. वो पुरुष प्रधान समाज की शिकार है. शी इज नॉट गिविन द फ्रीडम टू एक्सप्रेस हर डिजायर्स, शी इज नॉट गिविन द फ्रीडम टू शो हर टैलेंट, दैट्स वाई शी इज जस्ट in fear when she is beaming tigers on a green canvas. क्यों काँप रही है फिर उस समय? Because she just protesting her husband. और पतियों का या पति का विरोध करना पत्नियों के अधिकार में नहीं आता है, मतलब वो नहीं कर सकती. They are oppressed, they are suppressed according to Adrenerich. Okay? तो अगला question क्या है, what is suggested? तो आपका answer मिल गया ना आपको, क्यों कांप रहे हैं. और इसका यह है कि भाई वो नीडल को हार्ड खींच क्यों पाती है, वो मुश्किल से क्यों खींच पा रही है, क्योंकि वो हैवी वेट जो है अंकल के वेडिंग बैंड का, उसकी डोमिनेंसी का, वो उसके हाथों पर बैठा हुआ है और वो उसे उन सुइयों को नहीं खींचने दे रहा है, राइट. मतलब शी इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, एक्सप्रेस हर प्रोटेस्ट ओपनली. वो ओपनली अपने प्रोटेस्ट को एक्सप्रेस नहीं कर सकती है. आगे देखो, वॉट इज सजेस्टेड बाई द इमेज, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स बैडिंग बैंड. ये जो फ्रेज आया है,
दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट. आई थिंक यू जस्ट कीप इट इन योर माइंड. यू आर टू जस्ट नोट 3 stars टू दिस क्वेश्चन. और अब बात करते हैं इसके आंसर की कि मैसिव वेट का मतलब होता है भारी वजन, अंकल्स बैडिंग बैंड. यहाँ पर जो एडिन रिचर्स शोज दैट जो आंट जेनिफर हैज़ बीन मैरिड विद अंकल. ओके, हैज़ बीन मैरिड विद अंकल और अंकल हैज जस्ट पुट द हैवी वेट ऑफ हिज बेडिंग बैंड और मैरिज रिलेशनशिप ऑन आंट जेनिफर्स हैंड. ही हैज़ गिवन और ही हैज़ पुट सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर हर. ही हैज़ सप्रेस्ड हर, ही हैज़ ऑप्रेस्ड हर टू डू ईच एंड एवरी टास्क ऑन टाइम इन अकॉर्डेंस हिज डिज़ायर. ओके, मतलब उसने अपनी खुद की इच्छा के अनुरूप सारे काम उसको करने के लिए कहा है, ऑप्रेस किया है, उसको दबाव में डाला है. तो वो क्या है कि वो भारी वजन है उसके ऊपर उस रिलेशनशिप का, जिससे वो क्या नहीं कर सकती, उसे पुट डाउन नहीं कर सकती, उसे उतार नहीं सकती. ठीक है ना, तो वो वजन जो है वो लेकर के यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है कि वो जो आंट जेनिफर है उसके हाथों पर भारी वजन था. किसका? अंकल की बेडिंग बैंड का. ऑफ वॉट और ऑफ होम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड. क्या चीज़ से और किस से आंट जेनिफर डरती है विद इन द थर्ड स्टैंजा. आपने थर्ड स्टैंजा में देखा किससे डर रही थी आंट जेनिफर टाइगर्स, किससे डरती है. पहले तो होता किस चीज़ से डरती है. वो डरती है शी, मतलब अपने विचारों को खुलेआम, अपने विरोध को खुलेआम पुरुष प्रधान समाज के अगेंस्ट प्रस्तुत करने में वो डरती है. तो कैसे कहेंगे कि आंट जेनिफर इज अफ्रेड ऑफ एक्सप्रेसिंग और एक्सप्रेसिंग हर प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेंट सोसाइटी और मेल डोमिनेंसी ओपनली और फ्रेंकली. ओके, अब ऑफ होम शी इज अफ्रेड ऑफ हर ओन हस्बैंड. वो किससे डरती है? अपने खुद के पति से डरती है. बिकॉज सी इज ऑप्रेस, बिकॉज सी इज सप्रेस, सी हैज़ नॉट गिवन, सी हैज़ बीन नॉट गिवन, या शी हैज़ नॉट बीन गिवन द परमिशन, सॉरी शी हैज़ नॉट बीन गिवन द फ्रीडम, द फ्रीडम, फ्रीडम टू एक्सप्रेस हर ओन व्यूज, ओन आइडियाज, ओन थाट्स. देखेंगे आगे. यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि किससे और क्या, इतना सीधा नहीं आता. अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द ऑडिल्स, वो अग्नि परीक्षाएं क्या हैं. आंट जेनिफर से सराउंडेड बाय, जिन अग्नि परीक्षा से आंट जेनिफर घिरी हुई है. और वाई इज़ इट सिग्निफिकेंट, ये महत्वपूर्ण क्यों है कि पॉइंट यूजेज द वर्ड रिंग्ड, कि कवि इस वर्ड को यूज़ करता है जिसका नाम रिंग्ड है. व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड रिंग्ड, कि रिंग्ड जो मीनिंग है, रिंग्ड जो वर्ड है या फिर ऑडिल्स जो वर्ड है, इनकी मीनिंग क्या है पोइम में. तो देखो, ऑडिल का मैंने बताया था आपको कि इसका मतलब है टफ टेस्ट, और रिंग का मतलब होता है सराउंडेड कह सकते हो आप, या फिर आप यो कह सकते हो, रिंग्ड मतलब होता है ऑप्रेस, सप्रेस, ठीक है ना, गिरे हुए, दबे हुए, है ना. तो इस तरीके से आप कह सकते हो. तो इनका मतलब क्या है, ऑडिल्स किस तरह की है जो आंट जेनिफर फेस कर रही है. तो ऑडिल का मतलब होता है टफ टेस्ट. क्या होता है कि जो अपने स्किल्स होते हैं, अपने कौशल जो होता है, अपने अपने अंदर जो से आंट जेनिफर के अंदर आर्ट का एक कौशल है, वो बड़े अच्छे से ड्राइंग करती है, बड़े अच्छे से कैनवास पर इमेजेस ड्रॉ करती है, बनाती है या फिर वीव करती है, निट करती है, लेकिन उसको फ्रीडम नहीं दी गई है ना. शी इज़ मास्टर्ड इन द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग हर ओन आइडियाज ऑन ग्रीन कैनवास और इन ए कैनवास, लेकिन शी इज़ नॉट गिविन फ्रीडम. और दैट्स एन ऑर्डील, कि आप जब कुछ करना चाहो और आपको ना करने दिया जाए, देन हाउ कैन यू एक्सप्रेस योर व्यूज. तो ये एक ऑर्डील है, ये टफ टेस्ट है. तो इस तरह के कुछ टफ टेस्ट से वो घिरी हुई है. आगे देखेंगे, व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन कैरेक्टर. कि आप क्यों सोचते हो कि आंट जेनिफर ने कुछ ऐसे जानवर बनाए हुए हैं जो कि उसके कैरेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट है. व्हाट माइट द पॉइंट बी सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस. इस डिफरेंस से पॉइंट क्या सजेस्ट करना चाहते हैं. देखो क्या होता है कि सिंपल सी एक ही लाइन आपको बार बार लिखनी है, बार बार देखनी है, समझनी है कि विमेन आर नॉट गिविन द फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवर ओन आइडियाज अगेंस्ट मेल, against their husband, against their male relatives, okay? You can say. लेकिन अब यहाँ आंट जेनिफर अपनी अपने विद्रोह को कैसे दिखाएगी, ठीक है ना. मतलब क्या होता है, जैसे मानो हमें अपने पिताजी पर गुस्सा आ रही है, पापा जी ने कुछ कह दिया, बहुत खतरनाक कह दिया, गुस्सा आ रही है, पापा जी से तो कुछ कह नहीं सकते, कह तो नहीं सकते ना कुछ भी पापा जी से. तो क्या करेंगे, हम अपनी नोटबुक में पेंसिल को गोल गोल घुमाएंगे, या पन्ने को 3-4 पन्ने तक वो पेंसिल को चुबो देंगे जो पन्नों तक छेद हो जाएगी. गुस्से को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं हम. और भी कई तरीके हैं, पेंसिल को तोड़ देते हैं, या फिर पेंसिल को मुँह में चबाते रहते हैं, या कुछ पेन को तोड़ देते हैं. गुस्सा मतलब गुस्सा जो आता है ना, उसको किसी तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं, वो चीज़ों पर करते हैं.
राइट। तो आंट जेनिफर क्या करती है कि अपने पति का खुलेआम विद्रोह तो कर नहीं सकती है, तो वो अपनी कला के माध्यम से विद्रोह करती है। तो यहाँ पर यही आ रहा है कि आंट जेनिफर ऐसी क्या एनिमल्स को क्यों बनाती है। तो जो टाइगर्स उसने बनाए थे वो टाइगर्स थे फियरलेस, शवेलरिक, बहादुर थे वो। उनकी पेस पर उस पुरुषों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गति ऐसी की ऐसी बनाए रखते हैं। लेकिन ये डिफरेंट कैरेक्टर किसके था, जस्ट अपोजिट कैरेक्टर किसका था, आंट जेनिफर का। तो आप जैसे नॉर्मली हम जानते हैं कि अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो अपन उसको ड्राइव आउट कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव थॉट से। और अगर पॉजिटिव मतलब किसी का विद्रोह करना है तो हमको उससे भी अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक वाली चीज़ें लेके आनी पड़ेगी। तो अब जैसे खुद की स्थिति आंट जेनिफर की ऐसी है कि वो डरी हुई है, भयभीत है, वो अपनी खुद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकती है। तो उसने अपने अपने कैरेक्टर से विपरीत जो कैरेक्टर्स हैं या फिर अपने कैरेक्टर से विपरीत एनिमल्स जो हैं उस पर्दे पर उकेरे हैं। राइट, आगे देखो, इंटरप्रेट द सिंबल्स फाउंड इन दिस पोएम। कुछ प्रतीक लिए गए हैं इस पोएम में, उनको आप दिखाएं। तो देखो, प्रतीक का मतलब सिंबल्स किस चीज़ के हैं, नेचर के सिंबल्स, जैसे कि ग्रीन उसमें बताया था कि ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी कि नेचर या फॉरेस्ट को यहाँ पर सिंबल दिखाया गया है। ब्राइट टोपाज यानी कि चमकीले पुखराज, ये प्रतीक हैं, ठीक है ना। इसके अलावा टाइगर्स को सिंबल दिखाया गया है। आइवरी नीडल, हाथी दांत से बनी हुई सुई, उसको बताया गया है। वूल, ऊन, ये भी एक सिंबल है, ठीक है ना, ये प्रतीक हैं, इनको यूज़ किया है। डू यू सिंपथाइज, क्या तुम सहानुभूति दिखाते हो आंट जेनिफर के साथ। वॉट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टूवर्ड्स आंट जेनिफर, मतलब एड्रीना रिच सहानुभूति दिखाती है कि आंट जेनिफर की तरफ, बिल्कुल, कि वैन मतलब हम क्या सोचते हैं, हम ये कैसे सोचते हैं कि हमारी दुनिया में जब भी किसी व्यक्ति को दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है, ओप्रेस किया जाता है, उसको फ्रीडम नहीं दी जाती है, तो हमारी सिंपैथी ऑब्वियसली उसकी तरफ बन जाती है, नेचुरली हम उसकी तरफ सिंपैथी शो करते हैं। तो पोइटेस भी ठीक वैसे ही सिंपैथी शो करती है, आंट जेनिफर की कंडीशन पर अपना अपना कंपैशन दिखाती है, अपनी सिंपैथी को दिखाती है। राइट, तो हमारा भी एटीट्यूड ठीक वैसा ही होगा जिस तरह से पोइटेस का एटीट्यूड है। तो अगर हम देखें, आउट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड टुडे, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड 8 क्वेश्चंस, देयर इज ओनली वन क्वेश्चन विच इज इम्पॉर्टेंट। आई हैव मेड यू जस्ट नोट 3 स्टार्स टू दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, ओके, मैसिव वेट वाला। इसको आप बड़े अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास आपको याद होगी, कल हम क्या करेंगे, क्या कल हम इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन एंड आंसर्स हम देखेंगे। अगर आपको इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपके नोट्स में आ जाएगा, इनको लिखना नहीं है, सिर्फ डिस्कशन था आज का। और इसके बाद हम लोग रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देखने के लिए हर एक पॉइंट को गो थ्रू करेंगे, मतलब रिपीट करेंगे, और फिर हम जो नया सिलेबस आया है, अपडेटेड सिलेबस आया है, उसके आधार पर हम अपना कोर्स पढ़ेंगे। यानी कि जस्ट इसके तुरंत बाद मैं आपकी ग्रामर की क्लास चालू करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको क्लॉसेस पढ़ाऊँगा, जो नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज जो आपके सिलेबस में जोड़े गए हैं, मैं आपको सबसे पहले ग्रामर पढ़ाऊँगा। पोएट्री सेक्शन हमारा हो ही गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, बाय बाय।